नमस्कार। आप सोच रहे होंगे कि आरबी गौतम ये क्या कर रहे हैं, ये लेसन आप बच्चों को पढ़ाते हो ना कि संगठन में बड़ी शक्ति है। क्या आपने कभी अपने ऊपर इंप्लीमेंट किया है क्या इस शक्ति का? नहीं। आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर में जो टीचर है वो बिल्कुल संगठित नहीं है। जब वो संगठित नहीं है तो वो डरा हुआ है, बिल्कुल डरा हुआ है। ठीक है, अब डरा हुआ कैसे, जरा ये देखिए। जब आप वास्तव में अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, जिस दिन आप स्कूल जाते हो क्या गारंटी है कि आप दूसरे दिन भी स्कूल जाओगे? पता नहीं। आपको स्कूल वाले, स्कूल कहना ठीक नहीं हुआ, उसे दुकान कहते हैं, वो दुकान वाले आपको कब बाहर निकाल दें पता नहीं है। देखिए, आप अच्छा काम करते हो और 100 आपने अच्छे काम करे और आपसे कोई एक गलती हो गई और वो दुकान के मालिक को पता लग गई, तो आपको 2 मिनट में वो स्कूल से बाहर कर देंगे, मतलब दुकान से बाहर कर देंगे। यदि आप बहुत अच्छा काम करते हो तो स्कूल का जो मालिक है ना, उसके चमचे को बात पता लग गई तो वो बाहर कर देंगे। आपका अच्छा काम करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है और आपके लिए कभी कभी आपसे भूल से कोई गलत काम याद हो जाता है तो भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। आपके ऊपर हमेशा ये तलवार लटकी रहती है कि कब आपकी नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए। ये डरी हुआ ना, एक डरा हुआ शिक्षक क्या इस समाज की, इस राष्ट्र का भला कर सकता है क्या? जब मैं डरा हुआ, खुद डरा हुआ हूं और मेरे दिमाग में केवल यह चल रहा है कि मैं अपनी नौकरी कैसे बचानी है, तो क्या मैं ईमानदारी से अपना काम कर सकता हूं? शायद नहीं। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। मुझे जैसा कहा जाएगा वैसा करा जाएगा, और जैसा कहा जाता है दुकान वालों के द्वारा या स्कूल वालों के द्वारा, वो सब ठीक नहीं होता है। पेरेंट्स भी आजकल शायद समझने लग गए हैं कि आजकल प्राइवेट स्कूलों में रिजल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। 8th क्लास में बच्चा फेल है, 7th में फेल है, 9th में फेल है, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा बना के पेरेंट्स को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आपका बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है। ये आप टीचर नहीं करते हो, आपसे काम करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि आप डरे हुए हो और आप इस काम को करते हो ना भाई। देखिए, अब समय आ गया है कि आप डरना बंद करें और डराना शुरू करिए। अब यदि आप डरते रहे ना, ये जो शिक्षा मैंने आपको दी है, ठीक है ना, कि एक तिली को तो कोई तोड़ सकता है, लेकिन जब तिली इकट्ठी हो जाएंगी तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब आप संगठित हो जाओगे ना तो तोड़ना रियली आपको मुश्किल हो जाएगा। अब समय आ गया है कि आप संगठित हों और डरने की बजाय डराना शुरू करें। ठीक है, जो दुकान वाले बैठे हैं, जो दुकानदार आपको आजकल डरा रहे हैं, शिक्षा की दुकान है वो जो आपको डरा रहे हैं, उनको आप डराना शुरू करिए। मैं आपको डराने के तरीके बताता हूं। आप CBSE की वेबसाइट पर जाइए, मैं इसे नीचे लिंक दे दूंगा। CBSE की वेबसाइट पर जाके एफिलेशन बायलॉज को आप डाउनलोड कर लीजिए, और एफिलेशन बायलॉज को डाउनलोड करने के बाद उसे बहुत ईमानदारी से घर पर पढ़िए। पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके स्कूल में क्या क्या हो रहा है और एफिलेशन बायलॉज में क्या क्या लिखा हुआ है। आप सामने आके कंप्लेंट मत करिए, आप एक ईमेल तो कर सकते हो CBSE को, भाई CBSE को या किसी भी जहां से स्कूल एफिलेटेड है वहां को आप कंप्लेंट करिए। आपको वो सर इस तरह की कंप्लेंट रोड डिले होती है, कुछ नहीं होता, विश्वास करिए कुछ नहीं होता। एक बार करने से कुछ नहीं होगा, 2 बार करने से कुछ नहीं होगा, मेरे प्रैक्टिकल है, मेरे पास इस बात का अनुभव है कि सामने वाले जो बैठे हुए लोग हैं वो लोग इनसे प्रभावित हैं, इन दुकान वालों से प्रभावित हैं। इनके पास पहले फोन आ जाता है कि ऐसे ऐसी कंप्लेंट आपकी आई है, वो काम नहीं करते। लेकिन जब आप उनके पीछे पड़ जाओगे, जब उनको लग जाएगा कि उनकी नौकरी भी खतरे में जा सकती है, तो विश्वास करिए फिर वो काम करते हैं। आपको लगना पड़ेगा तसल्ली से, ठीक है। आप अपने नाम को मत करिए डिस्क्लोज, अपने नाम को मत बताइए,
आप बिना नाम के किसी भी ईमेल से आप कुछ टाइप करके आप किसी भी बोर्ड को जहाँ से आपका स्कूल एफिलेटेड है वहाँ पर भेज सकते हो ना। शिकायत करिए, जब तक आप शिकायत नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, राइट। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे तब तक इस तीली में जैसे एक एक तीली को निकाल के बाहर फेंकते हैं ना, तोड़ते रहते हैं, ऐसे स्कूल वाले आपको बाहर निकालते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, जो स्कूल के चलाने वालों को या दुकानों को चलाने वालों को जो चमचे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि उनके पीछे से कब लात पड़ सकती है। जरा इतिहास उठा के देखें वो अपने स्कूल का, जिस स्कूल में वो हैं, कि उनसे पहले जो चमचे रहे उनकी स्थिति क्या रही, जो आज की डेट में वो अपने सहयोगियों का साथ न होकर उन दुकान वालों के साथ हो जाते हैं। उन चमचों से मेरी विशेष रिक्वेस्ट है कि वो अपने सहयोगियों का ध्यान रखें, न कि उन दुकान चलाने वालों का। इस स्थिति में जब एक टीचर डरा हुआ होगा, टीचर परेशान होगा, टीचर नौकरी से कम निकाल दिया जाएगा, उसको कितना पेमेंट मिलेगा, उसे अपने खर्चे पूरे करने लायक तक पेमेंट नहीं मिल रहा है तो परेशान है, तो वो क्या शिक्षा देगा। इस बात को पेरेंट्स भी समझ रहा है, पेरेंट भी जागृत हो रहा है। मेरा पेरेंट्स से भी विशेष रिक्वेस्ट है कि वो स्कूलों से पूछे कि उनके ऊपर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उनको आप क्या पेमेंट दे रहे हो, उनको क्या सुविधा दे रहे हो। एक बार ये बात जरूर पूछनी चाहिए पेरेंट्स को। ये सभी लोग इन मुद्दों को उठाएंगे तो एक दिन मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सफल होंगी बातें, और ये शिक्षा की जो दुकानें बनी हुई हैं ये एक दिन निश्चित है सही तरह से काम करना शुरू करेंगी या फिर ये बंद हो जाएंगी। क्योंकि जिन्होंने जिस कंडीशन में एफिलिएशन ले रखी है वहाँ पर बहुत शुद्ध और साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो काम है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये नो लॉस नो प्रॉफिट का काम है, ठीक है। इसमें ट्रस्ट के तहत, सोसाइटी के तहत ये काम हो रहा है, न कि आपने कोई दुकान लगाई और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उस कहते हैं तहत काम नहीं हो रहा है। जरूर संगठित हुए, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ आप लोगों का, और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि उस फॉर्म को भरिए, जो लिंक मैंने दे रखा है वो गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को भरिए और हमारे संगठन के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, आप खुद अपना संगठन बनाइए, बना सकते हो तो, लेकिन हर किसी लिए संगठन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, मुद्दों को उठाइए, अब समय आ गया है कि मुद्दे उठाए जाए। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।